अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आरएमआई एंड आरएमआई ओवर आईआईओपी। अब आरएमआई और आरएमआई ओवर आईआईओपी है क्या, इसके ऊपर हमने सेपरेटली वीडियोस क्रिएट की हुई हैं हमारे चैनल के ऊपर, डिटेल में मौजूद हैं उनके कॉन्सेप्ट्स। अगर इन दोनों टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उन वीडियोज़ को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ सा बता देती हूँ कि आरएमआई बेसिकली क्या होता है। हमारे पास रिमोट मेथड इन्वोकेशन, और अगर हम यहाँ पर बात करें आईआईओपी की तो आईआईओपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंटर ओआरबी प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ वॉच करने को मिलती हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें आरएमआई की, तो आरएमआई जिसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया या जिसने डेवलप किया, आप ये कह सकते हो कि किसने आरएमआई को इंट्रोड्यूस करवाया हमें, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, और अगर हम बात करें आईआईओपी की, तो आईआईओपी हमें किसने इंट्रोड्यूस करवा के दिया, सन माइक्रो सिस्टम प्लस IBM। इन दोनों की मदद से हमारे सामने आईआईओपी का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके अलावा अगर बात करें आरएमआई की, तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो वो है हमारे पास JRMP प्रोटोकॉल। ठीक है, जबकि हमारे पास आईआईओपी में जो प्रोटोकॉल यूज़ किया वो है IDL प्रोटोकॉल, इंटरनेट डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो आरएमआई के अंदर आरएमआई रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, आरएमआई रजिस्ट्रीज हमारे पास आरएमआई के अंदर यूज़ की जाती हैं। जबकि अगर हम लोग आरएमआई ओवर आईआईओपी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नेमिंग सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो ये कि यहाँ पर जब आप अपना कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो तो उसके लिए यहाँ पर आरएमआई के अंदर आप एक्सटेंड करते हो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को। क्या चीज़ एक्सटेंड करते हो, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। जबकि आरएमआई ओवर आईआईओपी के अंदर आप जो एक्सटेंड करते हो वो क्या एक्सटेंड करते हो, पोर्टेबल रिमोट ऑब्जेक्ट। फाइन, इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस को देखें तो वो है हमारे पास कि आरएमआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ जावा टू जावा कम्युनिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हो, जबकि आरएमआई ओवर आईओपी सपोर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप इट सपोर्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फाइन, ओके, आरएमआई ओवर आईओपी के अंदर एक हमारे पास ओआरबी लेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ओआरबी लेयर। जबकि यहाँ पर हमारे पास ओआरबी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता। फाइन, आरएमआई के अंदर हमारे पास जो एक और टर्म, हमने स्टब्स और स्केलेटन को भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, उनके भी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको वॉच करने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो स्टब्स एंड स्केलेटन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, स्टब्स एंड स्केलेटन्स का। जबकि आरएमआई ओवर आईओपी के अंदर आप स्टब्स एंड टाई का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, स्टब्स एंड टाई का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो है कोडिंग से रिलेटेड। जब भी आप आरएमआई से रिलेटेड कोडिंग करते हो तो वहाँ पर आप हमेशा दो पैकेजेस को इंपोर्ट करते हो। वो दो पैकेजेस कौन कौन से, एक है हमारे पास इंपोर्ट java.rmi.static, ठीक है, और दूसरा पैकेज जो आप इंपोर्ट करते हो वो है हमारे पास इंपोर्ट जावा
डॉट आर एम आई डॉट सर्वर डॉट स्टैक, ठीक है। ये दो पैकेजेस आप जो है वो इंपोर्ट करते हो जब आप आर एम आई की कोडिंग कर रहे होते हो। यहाँ पर आपने हमेशा फोर पैकेजेस को इंपोर्ट करना होता है। कौन कौन से? फर्स्ट तो आपने फर्स्ट और सेकंड, ये दो वाले पैकेजेस आपने लाजमी इंपोर्ट करने होते हैं। थर्ड और फोर्थ कौन कौन से हमारे पास पैकेज होते हैं? एक होता है हमारे पास इंपोर्ट जावा एक्स डॉट नेमिंग डॉट स्टैक, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इंपोर्ट लास्ट फोर्थ, जो कि फोर्थ पैकेज होता है इंपोर्ट जावा एक्स डॉट आर एम आई डॉट स्टैक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास आर एम आई ओवर आई आई ओ पी के। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे आर एम आई एंड आर एम आई ओवर आई ओ पी का डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो आप ये डिफरेंसेस वहाँ पर मैंशन कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।